गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो केमिकल काइनेटिक्स हमने बहुत अच्छे से लेवल पे कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, 3 लेक्चर का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने में। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री टॉपिक। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में और नॉर्मल केमिस्ट्री में क्या फर्क है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नॉर्मल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन में जैसे सपोज करो एग्जांपल दे रहा है N2+3H2 ट्वाइस ऑफ NH3, N2+3H2 ट्वाइस ऑफ NH3, सपोज करो ये एग्जांपल मैंने दिया आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपने रिएक्शन को बैलेंस किया किसके बेसिस पे, एटम्स एंड चार्ज के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या किया, बैलेंस किया एटम्स और चार्ज को, दोनों को क्या किया आपने, बैलेंस किया। अगर लेकिन यही न्यूक्लियर रिएक्शन होता था, क्या होता था, न्यूक्लियर रिएक्शन होता था, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं C6 40, ये आपको दे दिया, ये एमिट कर रहा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 14। ठीक है, तो यहां पे आपको किसको बैलेंस करना रहता है, यहां पे आपको बैलेंस करना रहता है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, मतलब न्यूट्रॉन एंड आपको प्रोटॉन को बैलेंस करना रहता है इसके अंदर। तो इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में, तो क्या करना रहता है, इसमें दो रूल होते हैं, पहले summation of atomic mass number LHS equal to RHS, दूसरा रूल क्या होता है, summation of Z LHS जो होना चाहिए summation of Z RHS के बराबर होना चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए और मास नंबर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं लिख देता हूं, branch of physical chemistry, ठीक है, which deals with nucleus of the reaction, which actually पूरा theoretical ही है, इसमें बहुत ज़्यादा numerical आपको नहीं मिलेंगे, which deals with nucleus of atom, ऐसा ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का जो न्यूक्लियस ऑफ एटम से रिलेट करता है, as well as changes related with the nucleus, ठीक है, is known as क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऐसा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो न्यूक्लियस ऑफ एटम से रिलेट करता है या उसके न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज किया जाए उससे रिलेट करे, उस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को हम न्यूक्लियस केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, एंड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री वी हैव टू डील एंड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री we have to deal with the nuclear reaction which are different from normal reaction, atom and charge is balanced, that is only extra nuclear
पार्ट, नॉर्मल रिएक्शन में आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को बैलेंस करते हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब एटम और चार्ज को, ठीक है, पार्ट इलेक्ट बट इलेक्ट्रॉन बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन देखो नॉर्मल रिएक्शन में, रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, बैलेंस आप किसको करते हो, बैलेंस आप करते हो एटम और चार्ज को, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को, और पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट इन इन न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस इज पार्टिसिपेटेड दैट इज Atom will change, so we have to balance. We have to balance atomic number and मास नंबर, सो वी हैव टू बैलेंस एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है, यहां पे हमें क्या चीज को बैलेंस करना पड़ता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को, ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल बेसिक थ्योरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेडियो एक्टिविटी, क्या आता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी को एक्चुअली डिस्कवर किसने किया था, ये डिस्कवर किया था मैरी क्यूरी ने किया था, किस मैरी क्यूरी उसके हस्बैंड है, और किस तरीके से किया था उसने, कि उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा सा लेड ब्लॉक लिया था, बड़ा सा क्या किया था, लेड ब्लॉक लिया, अब उसने लेड ब्लॉक क्यों लिया, इसके पीछे भी एक रीजन था, ठीक है, और यहाँ पे उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, क्या लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यहाँ पे उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेट लिया, ठीक है, तो जिसका राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव था और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव था, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया, तो एक्चुअली हुआ क्या था, उसने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था, कौन सा तो सब्सटेंस, यूरेनियम वगैरह शायद उसने कुछ लिया था, एक्जेक्टली कुछ याद नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने देखा भैया कि एक्सपेरिमेंट करे जा रही थी, जब अंधेरा हो गया था, रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो उसने क्या किया, इस सब्सटेंस को उसने क्या किया, पेपर में लपेट के छोड़ दिया था, तो सवेरे जब वो आई तो उसने देखा तो पेपर में बहुत सारे क्या थे, छेद थे, बहुत सारे क्या थे, होल्स थे उसके अंदर, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, आपको अगर आपको ऑयल का सब्सटेंस लोगे, ठीक है, ऑयल से लिपटेड है और उसको आप पेपर में लिपेट दोगे, तो पेपर में कौन सा चीज आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, उसके अंदर के अंदर वाले कवर में क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, उसी तरीके से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी कोई रेडिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं और इसी रेडिएशन की वजह से उनकी जान भी चली गई थी, ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व क्या किया कि एक रेस ऐसे गई, एक रेस ऐसे गई और एक रेस ऐसे गई, तो जो पॉजिटिव की तरफ गई थी वो नेगेटिव रेस थी, कौन सी थी, नेगेटिव रेस, जिसको उसने क्या नाम दिया, बीटा रेस नाम दिया, किसका नाम दिया, बीटा रेस, ठीक है, यहाँ जो पॉजिटिव रेस गई, पॉजिटिव रेस कौन सी थी, अल्फा रेस थी, और यहाँ पे नो चार्ज न्यूट्रल रेस थी, कौन सी थी, सीधे वाली न्यूट्रल रेस, जिसको उसने गामा रेस का नाम दिया, किसका नाम दिया, गामा रेस का, ठीक है, और एक्चुअली है तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सिलेबस से, बट हमें बहुत ज्यादा चीजें हमें नहीं पढ़नी, हमें हमारे सिलेबस के ऊपर पढ़ना है, जापानीज एक साइंटिस्ट था, उसने भी इसमें कुछ बोला था कि भैया न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपस में क्या होते हैं, चेंज होते रहते, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस काफी स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द एटम, इसलिए न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल रहता है एटम का, तो जापानीज को साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था इस बात के लिए, एग्जैक्टली उसको याचुओ याकुओ कुछ ऐसा उसका नाम था, इसलिए मुझे नहीं पता, ठीक है, चलो याद रखिएगा, तो मैं लिख देता हूँ आगे, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो जो रेडिएशन एमिट करता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उसकी डेफिनेशन क्या होता है, फेनोमेनन ऑफ spontaneous emission of radiation from
फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इस किसी भी सब्सटेंस से अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन निकलता है, रेडिएशन का एमिशन ऑफ रेडिएशन निकलता है अपने आप, इसीलिए उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और उससे जो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी दो टाइप का होते हैं, रेडियो एक्टिविटी आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, एक तो होता है मैनमेड होता है, एक होता है नेचुरल। तो पहले हमने नेचुरल का डिस्कवर किया था, आर्टिफिशियल बाद में बनाया था। ठीक है, तो पहला होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है भैया, जो सब्सटेंस अपने आप एमिशन दे, अपने आप रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, सब्सटेंस एमिट रेडिएशन बाय इटसेल्फ, सब्सटेंस एमिट्स रेडिएशन बाय इटसेल्फ, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल। ठीक है, सेकेंड है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होता है भैया, कोई किसी सब्सटेंस बम्बार्डमेंट कराने के बाद अगर वो एमिशन देता है, रेडिएशन देता है, तो उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है मेरा, सब्सटेंस डज नॉट एमिट रेडिएशन, सब्सटेंस डज नॉट एमिट रेडिएशन, डज नॉट एमिट रेडिएशन बाय इटसेल्फ, by itself, but on falling radiation from naturally radioactivity, from naturally radioactive substance, it also start emitting radiation. ठीक है, the substance does not emit radiation by itself, but on falling radiation from natural radioactive substance, it also emit radiation. मतलब आप नेचुरल रेडिएशन के प्रेजेंस में, मतलब अल्फा का बम्बार्डमेंट अगर आपने मान लो करा दिया, ठीक है, इसे कहने का मतलब, बट आल्सो फॉलिंग रेडिएशन फ्रॉम नेचुरली रेडिएक्टिव सब्सटेंस। तो नेचुरल रेडिएक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से रेडिएशन देता है, अल्फा रेडिएशन देता है, बीटा रेडिएशन देता है, गामा रेडिएशन। जनरली हम बम्बार्डमेंट जो करवाते हैं आर्टिफिशियल का, वो अल्फा हीलियम पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस से करवाते हैं, जो दैट इज नथिंग बट अल्फा रेडिएशन। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस से नथिंग बट अल्फा रेडिएशन, और उससे जब हम बम्बार्डमेंट करवाने पर अपने आप वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट कर देता है, बट वो अपने आप करता नहीं, उसको करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वो आर्टिफिशियल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, आखिर इसमें है क्या, पहले लिखता हूं प्रॉपर्टी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेज। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है इसका मास, सेकंड प्रॉपर्टी है इसका चार्ज। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। ठीक है, फोर्थ है स्पीड। ठीक है, फिफ्थ है पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन
है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा जैसे, ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पहले सीखना है, ठीक है, ठीक है। तो पहले में आइडेंटिटी वाला, अल्फा रेस को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, अल्फा रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा रेस को हम हीलियम न्यूक्लियस से डिनोट करते हैं, 2 और 4, ठीक है। बीटा दैट्स नथिंग बट इलेक्ट्रॉन रेस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रेस को हम क्या बोलते हैं, बीटा रेस बोलते हैं। और आइडेंट गामा रेस को एज इट इज हम गामा के फॉर्म में या एच म्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं। फोटोन पार्टिकल इज नथिंग बट गामा रेस ही होता है, ठीक है, फोटोन पार्टिकल दैट्स नथिंग बट गामा रेस होता है, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, देखो चार्ज कितना हो जाएगा, 2 यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें क्या होगा, 2 यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। 2 यूनिट कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसमें कौन सा हो जाएगा, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, गामा रेस हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। मास की बात करूं तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 4 mu, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 × 10⁻³⁻³ kg होता है। और गामा रेस क्या होता है, मासलेस होता है, गामा रेस क्या होता है, मासलेस होता है, आई बात समझ में, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस मीन से जेई में, जेई मेंस या नीट में डिफरेंस भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड जो सबसे, देखो ऑब्वियस सी बात है, सबसे हैवी पार्टिकल कौन सा, अल्फा रेज है, तो सबसे स्पीड भी सबसे कम किसकी होगी, इसी की होगी। तो ये ऑलमोस्ट हो जाता है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये नियरली इक्वल टू होता है, नियरली इक्वल टू सी, नियरली इक्वल टू से मतलब स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से जनरेट करते हैं, और ये एग्जैक्टली सी के बराबर होता है। गामा रेस की जो, क्योंकि गामा रेस क्या है, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी याद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। और पेनिट्रेशन पावर, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसके पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब ऐसे समझो ना, अगर मैं एक चौक से मार रहा हूं और एक डस्टर से मार रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है चौक से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डस्टर से आपको पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ये बात समझ में। बट ऐसा मास से आप नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जनरली हम पेनिट्रेशन पावर हमेशा मास से नहीं कंपेरिजन, पेनिट्रेशन पावर हमेशा स्पीड से कंपेरिजन करते हैं, तो जितना ज्यादा स्पीड में फोड़ेगा उसी पेनिट्रेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर क्या ऑलमोस्ट नन होता है, नन होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। और इसका क्या होता है, गामा का मैक्सिमम होता है इसका पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। आयनाइजेशन पावर, देखिए आयनाइजेशन पावर क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन पावर है, तो चार्ज सबसे ज्यादा इसी में, तो आयनाइजेशन पावर भी सबसे ज्यादा इसी का होगा। इसका क्या होगा, अगेन इंटरमीडिएट, और इसका क्या होगा, नन होगा, इसका आयनाइजेशन पावर बहुत ना के बराबर, एक्चुअली होता ही नहीं आयनाइजेशन पावर, ठीक है, नन नहीं बोल सकते, उसको थोड़ा बहुत होता है बट मिनिमम होता है, मिनिमम बहुत कम होता है, ठीक है। तो दीज आर योर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, देखो ये मैं बेसिक्स से बता रहा हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, हालांकि आप ये सब चीजें फिजिक्स और दोबारा पढ़ोगे, एक बार यहाँ पे पढ़ोगे तो उधर बाकी चीजें आपका क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आखिर रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन, क्यों कोई सब्सटेंस रेडिएशन एमिट करता है, क्या रीजन है आखिर, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि देखो मुझे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सारी चीजें वो क्या है, ऑब्जर्वड है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वड है, तो बस वो चीजें ऑब्जर्वड वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑन ऑब्जर्विंग द एलिमेंट, पहले लिख देता हूँ मैं, ऑन ऑब्जर्विंग एलिमेंट emitting radiation, scientists found that element having n by p ratio in between
बिटवीन 1 to 6, 1 to 1.6, 1 to 1 आर स्टेबल, आर स्टेबल, बट दीज एलिमेंट्स हैविंग, बट दोज एलिमेंट, बट दोज एलिमेंट, बट दोज एलिमेंट हैविंग एन बाय पी, हैविंग एन बाय पी लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन 1.6 आर फाउंड टू बी अनस्टेबल, आर फाउंड टू बी अनस्टेबल एंड इन ऑर्डर टू बिकम, एंड इन ऑर्डर टू बिकम, and in order to become stable they emit radiation and show radioactivity, and show radioactivity. ठीक है, तो basically इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है, जो रेशियो होगा ये जो रीजन होता है, देखो ऐसा, अब मैं इसको बेसिकली पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पाया गया कि 1 टू लेकर 20 मतलब हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक ऐसा पाया गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ऑलमोस्ट क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है, तो इक्वल देखा भी गया है, तो उनमें क्या देखा गया एन बाई पी का रेशियो ऑलमोस्ट 1 रहता है, तो वो स्टेबल जोन में होते हैं। इसका मतलब ये रीजन जो होगा, यहाँ पे जो एन बाई पी का रेशियो होगा, यहाँ पे जो n by p का रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1.6 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 1.6। देखो इस एरिया में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो n by p का रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होगा। यहाँ पे मैं इस रीजन में जाऊंगा तो n by p का रेशियो लेस देन 1.6 होगा। बट दोनों के दोनों क्या होना चाहेंगे? स्टेबल होना चाहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी एलिमेंट क्या अनस्टेबल, और यहाँ पे भी एलिमेंट क्या है अनस्टेबल है। तो या तो वो रेडिएशन एमिट करके अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, इस रीजन में लाने की कोशिश करता है, और इस वजह से क्या होता है, या तो वो अल्फा रेडिएशन देता है या तो बीटा रेडिएशन देता है, ठीक है, अल्फा या बीटा रेडिएशन दोनों देता है, ठीक है। अब किस केस में क्या देता है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि भैया एन बाई पी अगर मान लो हाई है तो कौन सा एमिशन होगा, एन बाई पी अगर लो है, ठीक है, तो कौन सा एमिशन होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो रेडियोएक्टिविटी का रीजन आपको समझ में पाया कि अगर n by p का रेशियो ऑलमोस्ट 1 है तो वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कभी नहीं हो सकता, ठीक है, वो कोई एमिशन देगा ही नहीं, ठीक है, वो अपने आप स्टेबल जोन में आ जाएगा। अगर n by p रेशियो इक्वल नहीं है, लाइक 21 के आफ्टर 21 एटॉमिक नंबर n by p रेशियो कभी भी सेम नहीं हो सकता। जस्ट लाइक आप ऐसा समझ लो कि कोई एक एग्जांपल आप लेके देख लो, जस्ट लाइक मैं कौन सा एग्जांपल लूं, यूरेनियम देख लो, यूरेनियम का प्रोटॉन नंबर कितना होता है 92, और एटॉमिक मास कितना था 238, और 238 माइनस 92 ऑलमोस्ट तब भी 100 के ऊपर रहता, मतलब ऑब्वियस सा पता है n by p का रेशियो क्या रहेगा, 1 तो ऑलमोस्ट नहीं रहेगा, तो 1 से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो अगर बराबर नहीं होता, ऑलमोस्ट 1 के बराबर नहीं होता, तो हमेशा वो कोई ना कोई रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। अब कौन सा क्या एमिट करेगा वो अभी मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग।
नाउ अब मैं बताता हूँ दो केस, ठीक है, कि अगर मान लो इसमें दो केस बन गए, ठीक है। पहला केस क्या है कि n by p रेशियो इज हाई, n by p रेशियो इज हाई, n by p रेशियो हाई होने का मतलब है कि न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन से ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से क्या होगा आपका ज्यादा होगा, तो ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा आपको, मतलब n by p रेशियो, n by p रेशियो कैन बी डिक्रीज बाय, कैन बी डिक्रीज बाय। अब जो हाई है उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, आप खुद से सोचो, अगर कोई चीज हाई है तो उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, बीटा एमिशन कर दोगे। अगर मैं बीटा पार्टिकल को एमिट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज बाय एमिटिंग, बाय एमिटिंग बीटा रेडिएशन, क्या बीटा रेडिएशन। देखो समझाने के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, C614, ठीक है, मान लो मैंने न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं किया लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीटा रेडिएशन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का, तो मतलब यह कि बीटा रेडिएशन करने से आप क्या सीख रहे हो, कि बीटा रेडिएशन करने से एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, क्योंकि n by p रेशियो को क्या करना है, डिक्रीज करना है, n by p रेशियो तब भी डिक्रीज हो, देखो यहाँ पे 14/6, यहाँ पे n by p का रेशियो कितना है, देखो आप n by p का रेशियो है, p तो मेरा 6 है और 14-8 मतलब ये कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ पे n by p का रेशियो कितना है 7 नीचे है और ऊपर भी 7 मतलब 1, तो देखो ऑब्वियस सी बात है इस केस में n by p रेशियो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो याद रखना n by p जब हाई होता है तो बीटा रेडिएशन हमेशा एमिट करता है, उससे क्या होता है बीटा रेडिएशन से प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज होता है, तो आपको नीचे का ऊपर तो बढ़ा रहता है, अगर आपने नीचे को बढ़ा दिया तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, तो ये वैल्यू कैसे बढ़ सकता है, बाय डूइंग बीटा एमिशन। बीटा एमिशन से हमेशा याद रखना, अगर दो बीटा एमिशन हो रहा है तो एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ जाएगा, 3 बीटा एमिशन हो रहा है मतलब एटॉमिक नंबर 3 से बढ़ जाएगा, तो इन चीजों को याद रखिएगा, आई बात समझ में आगे काम आने वाला है, ठीक है। केस 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर n by p लो है, n by p इज लो, तो लो है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, तो ठीक है n by p रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड बाय ठीक है एमिशन ऑफ। अब इसमें दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है, एमिशन ऑफ, ठीक है, या तो आप अल्फा पार्टिकल निकालो, या तो अल्फा पार्टिकल निकालो, या तो पॉजिट्रॉन निकालो उसमें से, और या एक होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। एन बाय पी रेशियो को बढ़ाने के लिए तीन मेथड होता है, अल्फा एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड एमिशन, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब एक एक करके मैं देखता हूं, पहला केस अल्फा एमिशन को दिखाता हूं मैं, ठीक है, कैसे, ठीक है, कैसे समझा रहा हूं, देखो जैसे सपोज करो फास्फोरस है, 15 है, 31 है, ठीक है, फास्फोरस में आपने क्या किया, अल्फा एमिट कर दिया, मतलब हीलियम 2 और 4, तो यहां से क्या निकला, यहां से मेरा एटॉमिक नंबर तो कितना आया 13, 2 निकल चुका है, और मास कितना आएगा सोचो, 31 में 27 मतलब 13, ये 27, तो क्या हो चुका है मेरा मास घट चुका है, क्या हो चुका है मास घट चुका है, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, कैसे, यहाँ पे n by p का रेशियो देखो, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 15 और यहाँ पे 16, और यहाँ पे n by p का रेशियो देखो, यहाँ पे प्रोटॉन 13 है और यहाँ पे 14 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू n by p वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, n by p वैल्यू क्या हो चुकी होगी, घट चुकी होगी, ठीक है, n by सॉरी ये वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी एज कम्पेयर टू 14/13 से आएगा, क्योंकि मुझे इसको n by p बढ़ानी है ना, तो यहाँ पे समझो कि और बहुत से बात है कि ये वैल्यू इससे क्या रहेगी, 16/15 को डिवाइड कर दो 14/13, तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, तो मुझे क्या सीखने मिलता है कि अल्फा एमिशन से n by p रेशियो की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। सेकेंड मेथड है मेरा पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन। अब पहले ये सोचोगे बहुत सारे बच्चों के मन में, सर ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन एक तरीके का वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन सेम रूप रंग सब सेम है,
बट वो अलग कैरेक्टर का, एक राम होता है और एक दूसरा श्याम है। राम बहुत शांत है, श्याम बहुत बदमाश है। तो राम जो है मेरा इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिट्रॉन क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है पॉजिटिव है, वो क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब E प्लस वन जीरो उसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल लेके देता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे इसमें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन में माइनस वन जीरो होता है, पॉजिट्रॉन में प्लस वन और जीरो होता है, कुछ नहीं फर्क होता है। ठीक है, प्लस वन और जीरो होता है, आई बात समझ सबको। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे सपोज करो सोडियम 11 और 23, तो यहाँ पे आपको पॉजिट्रॉन एमिट करना है, तो प्लस वन जीरो, प्लस वन जीरो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो कम हो जाएगा, किसका एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है नियॉन का, और एटॉमिक मास 23 रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर नथिंग बट पॉजिट्रॉन एमिशन। एमिशन पहले निकाल दो, जो निकालना पहले वो लिख दो, उसके और जो बच रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एलिमेंट डिसाइड कर लो। तो पहले मैंने पॉजिट्रॉन निकाल दिया, मतलब बीटा एमिशन ये क्या हुआ, ये जो भी होगा इससे एक कम हो जाए, यहाँ नेगेटिव था तो ये बढ़ता था, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो एक घटेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये प्लस वन यहाँ आ चुका है, तो प्लस वन है, टोटल 11 है, एक इसके पास हो चुका, तो यहाँ बचा कुचा किसके पास होगा, 10 वाला होगा, तो 10 वाला एलिमेंट कौन सा होता है, नियॉन होता है, जिसका एटॉमिक मास 23 है। ठीक है, सी में के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, आप समझो बात को, ये आखिर होता क्या, तो ये भूल जाओ, तो पहले समझो इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, यही सपोज करता हूं मैं Na 11 23 इलेक्ट्रॉन उसने कैप्चर किया, तो एलिमेंट क्या बनेगा 10 23। तो याद रखना, चाहे के इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड हो या पॉजिट्रॉन एमिशन हो, एलिमेंट दोनों में क्या रहेगा, प्रोडक्ट में सेम रहेगा, प्रोडक्ट में हमेशा एलिमेंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिट्रॉन एमिशन से और के इलेक्ट्रॉन एमिशन से हमेशा प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, सेम बनता है। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये शेल होता है। ठीक है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट में शेल कौन सा होता है, के शेल होता है। ठीक है, अब दोनों बातों में डिफरेंस है, आप बोलोगे सर ये कब होगा, ये कब होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एलिमेंट पॉजिट्रॉन एमिशन करता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। तो सीधी बात है, अगर किसी न्यूक्लियस की औकात थी, देखो कोई चीज निकालने के लिए दम होना चाहिए। अब जैसे आपके जेब में 2000 है, कोई मांगने आ गया तो 2000 दे दो, आप उसको दान कर दो, तो दान करने के लिए आपके पास कलेजा तो होना चाहिए ना, उस तरीके से मतलब दम होना चाहिए। तो वही बात है, पॉजिट्रॉन एमिशन करने के लिए न्यूक्लियस के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, और एनर्जी है तो वो पॉजिट्रॉन एमिट करता। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा के शेल में, वो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है न्यूक्लियस, उसी को हम क्या बोलते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। समझ में आई बात यहां से। अब एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फोर्स का यहाँ पे आ जाता है, तो बाकी डिटेल में तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे न्यूक्लियर फोर्स वगैरह, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स अभी तक ये बताया नहीं गया, तो न्यूक्लियर फोर्स वगैरह थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। बट याद रखना कि के सेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में कैप्चर हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तब ये ऐसा करता है, अगर न्यूक्लियस के पास सफिशिएंट एनर्जी तो प्रेफरेबल मेथड हमेशा यही होता है। बस समझ में, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में। ठीक है, तो ये एक्चुअली अनयूजुअल मेथड है, जल्दी से होता नहीं है ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज एन अनयूजुअल प्रोसेस, इज एन अनयूजुअल प्रोसेस, इज एन अनयूजुअल प्रोसेस विच इज शोन बाय, विच इज shown by, which is shown by those element, those element which does not have sufficient energy, which does not have sufficient energy, which does not have sufficient energy for positron emission, for
पॉजिट्रॉन एमिशन, फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन, एंड इन दिस केस एंड इन दिस केस एंड इन दिस केस न्यूक्लियस विच कैप्चर्ड न्यूक्लियस विल कैप्चर्ड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केशर। ठीक है, के इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर्ड इन यूजर प्रोसेस, और वो वही कर सकता है पॉजिट्रॉन एमिशन जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता है, तो क्या करता है न्यूक्लियस कैप्चर कर लेता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम केशर, इसको हम क्या बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है चेंजेस, चेंजेस कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। ठीक है, चेंजेस कॉज्ड बाय अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। तो पहला मेरा मेथड है अल्फा पार्टिकल एमिशन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एमिशन से क्या होता है। ठीक है, तो समझो बात को, अल्फा पार्टिकल एमिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और एटॉमिक मास है ए, एटॉमिक मास नंबर है उसका ए। ठीक है, अगर मैंने क्या क्या अल्फा पार्टिकल एमिशन किया, मतलब तो पहले अल्फा पार्टिकल लिख दो टू और फोर। तो ये जो होता है ना, जो जहां से निकलता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पी लिखूंगा। इससे जो भी एमिशन निकलेगा, एमिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉटर एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डॉटर एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट। अभी यार ये मत बोलो कि सब सन एलिमेंट क्यों नहीं गया, तो भैया मैक्सिमम बुक में तो मुझे डॉटर एलिमेंट ही मिला, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी लिखेंगे। ठीक है, तो पैरेंट एलिमेंट से जो डॉटर एलिमेंट बनता है बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना उसके मास नंबर भी कितने से चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी दो से चेंज हो जाएगा, मास नंबर कितने से चेंज हो जाएगा, चार से चेंज हो जाएगा। मास नंबर कितने से चेंज होगा, चार से, एटॉमिक नंबर कितने से चेंज होगा, दो से चेंज होगा। ये बात समझ सकते हो? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं था, आप समझ में आ जाएगा कि अल्फा एमिशन से मास नंबर दो से चेंज होता है, सॉरी मास नंबर चार से चेंज होता है, एटॉमिक नंबर दो से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकंड में बात करूं बीटा पार्टिकल एमिशन की। ठीक है, बीटा पार्टिकल एमिशन की। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं अगेन एक्स ए सॉरी जेड ए, ये मेरा पहले पेरेंट एलिमेंट है, आपने क्या कर दिया बीटा पार्टिकल लिमिट कर दिया 1-1 0। तो y में क्या फर्क है, एटॉमिक नंबर हमेशा एक से क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि z प्लस 1 माइनस 1 z के बराबर होना चाहिए, और एटॉमिक मास में कोई भी फर्क नहीं आता है। ठीक है, मास नंबर कितने से बढ़ जाएगा, एक यूनिट से बढ़ जाता है, और सॉरी एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ जाता है, मास नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है मेरा गामा पार्टिकल एमिशन। ठीक है, गामा पार्टिकल एमिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज, याद रखना। ठीक है, नो चेंज, ठीक है, ना एटॉमिक नंबर में ना मास नंबर में, तो ये छोटी छोटी बात है, वो क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या आता है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें ग्रुप डिस्कशन डिस्प्लेसमेंट लॉ की। जीडीएल, ठीक है, वहां पे नॉर्मल केमिस्ट्री में हम जीडीएल का मतलब ग्राहम डिस्फ्यूजन लॉ होता था, याद है आपको, यहाँ पे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कुछ नहीं कहता है, सपोज करो किसी पीरियड, जैसे ग्रुप कहा आता था पीरियडिक टेबल में, जहां पीरियडिक टेबल आता है वहां पीरियड भी आएगा। ठीक है, ये कोई पीरियड है सपोज करो, ठीक है, 2-3-4-5-6 सपोज करो, कुछ इस तरीके से मेरा पेरेंट एलिमेंट कुछ
कुछ इस जगह पे है, क्या है पेरेंट एलिमेंट, कुछ क्या है मेरा इस जगह पे, पेरेंट एलिमेंट मेरा उस जगह पे, ठीक है। मान लो जी है, जी ग्रुप है जिस पेरेंट एलिमेंट का, ठीक है। अगर उसने क्या किया, अगर उसने मान लो एमिशन किया बीटा पार्टिकल का, किसका एमिशन किया बीटा पार्टिकल, तो अभी मैंने आपको बात किया कि बीटा पार्टिकल एमिट करने से एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाता है, इसका मतलब ग्रुप यहाँ पे जो फॉर्म होगा, यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो डॉटर एलिमेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा जी प्लस वन, एक से इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, एक ग्रुप नंबर से क्या हो जाता है इसका बढ़ जाता है। ये कब बनता है, फॉर्म बाय एमिशन ऑफ, फॉर्म बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है। क्योंकि इस तरफ से मेरा क्या होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना इस तरफ से, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं एक एक नंबर से इस तरीके से बढ़ता है, तो अगर एक बीटा एमिशन हुआ तो एक ग्रुप से बढ़ता है, ठीक है। मान लो एक अल्फा पार्टिकल हुआ तो दो से ग्रुप क्या हो जाएगा घट जाएगा, दो से ग्रुप इसका क्या हो जाएगा घट जाएगा, जी माइनस टू। तो ये कब होता है, ये डॉटर एलिमेंट कब फॉर्म होगा, दिस इज फॉर्म बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, कब बनता है अल्फा पार्टिकल के एमिशन से ये ग्रुप, ये एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको डेफिनेशन में भी लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू जीडीएल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीडीएल डॉटर एलिमेंट डी फॉर्म्ड बाय एमिशन, फॉर्म्ड बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल occupies two position left, occupies मतलब दो position left की तरफ बढ़ जाएगा, और अगर ऐसे ही बोल सकते हो कि दो से group नहीं घटेगा ऐसे, तो दो position left की तरफ चल जाएगा और beta emission से एक plus की तरफ right की तरफ आ जाता है, ठीक है। occupies two position left and formed by emission of beta particle occupies one position right in periodic table, right in periodic table compared to PEP मतलब parent element, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये जो हमारा next part आ रहा है, next topic calculation, ये बहुत important है, very 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 important, JEE NEET दोनों के लिए important, calculation of number of alpha and beta particle, calculation of number of alpha and beta particle, calculation number of alpha and beta particle emitted during a change, चलो जैसे सपोज करो ये कोई पेरेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर ए है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल, सपोज करो एक्स अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है और वाई बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, कितना एक्स अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, वाई बीटा पार्टिकल कर रहा है, और डॉटर एलिमेंट है z1 और a1 है। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, क्या करता हूं मैं, पहले मैं लेट बैलेंस, ठीक है, पहले मैं बैलेंस करता हूँ एटॉमिक नंबर को बैलेंस करता हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बराबर कितना होगा, जेड इज इक्वल टू जेड वन प्लस टू एक्स प्लस माइनस वन इंटू वाई, क्या कर सकता हूँ, ये तो जेड वैल्यू होगा किसके बराबर, जेड वन प्लस टू एक्स इंटू वाई माइनस वन, ठीक है। चलो ये पहला इक्वेशन बनेगा मेरा, ठीक है। दूसरा आपको क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है, नहीं चार्ज नहीं, एटॉमिक नंबर बैलेंस किया, मास नंबर बैलेंस करूंगा, किसको बैलेंस करूंगा,
मास नंबर को बैलेंस करो। मास नंबर बैलेंस करने के लिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा a1 plus 4x plus y into 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y मास नंबर बैलेंस होने के लिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a minus a1 by 4। मतलब ये फॉर्मूला आपका बेसिकली किसका है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का, किसका बैलेंस है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का। जब आप ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y z बराबर z1 plus 2 into a minus a1 by 4 to minus 1, ठीक है, minus y, तो y इधर आ जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, z1 minus z, z1 minus z plus a minus a1 by 2, ये मेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो ये एलिमेंट इतने से एलिमेंट से चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने एमिट करेगा, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने एमिट करेगा, ठीक है। तो ये अपना आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो या तो फॉर्मूला याद रखिए या तो आप कुछ भी याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और या तो आप थ्योरेटिकली भी कर सकते हो, दैट चॉइस इज योर। तो फॉर्मूला याद रखिए तो ज्यादा एटर नहीं है, तो मैं थ्योरेटिकल वे भी बता दूंगा, वो और भी आसान है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों में, ये सिर्फ एक मेथड था जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर ली है। ठीक है, तो जस्ट मैं क्वेश्चन की कर रहा हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड emitted in the following change, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको खुद करना है। यूरेनियम 238 से कहाँ जा रहा है, लेड 82 206, ठीक है। अब सिंपल सा बात है, पहले अल्फा पार्टिकल का चेंज देख लो, 238 से, या तो फॉर्मूला से चले जाओ, 200 a माइनस क्या था, a1 था, a माइनस कितना, a मतलब पैरेंट का 238 माइनस 206 बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा, 32 बाय 4 दैट्स नथिंग बट 8 अल्फा पार्टिकल हो गए, ठीक है। अब आपको पता है बीटा पार्टिकल का फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, पहले आपने अल्फा पार्टिकल निकाल लिया हमेशा ऐसे। अब अल्फा पार्टिकल का क्या सोचोगे, अल्फा 8 अल्फा, एक अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज करता है, 2 से डिक्रीज करता है, तो 8 अल्फा पार्टिकल से कितने से डिक्रीज करना चाहिए था, 8 अल्फा पार्टिकल से 16 से डिक्रीज करना चाहिए, बट डिक्रीज कितने से कर रहा है, 10 से डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 6 बीटा पार्टिकल होगा। आई बात समझ में, तो आप ऐसे थ्योरेटिकली भी कर सकते हो और वैसे भी फॉर्मूला पुट कर लो तो भी आंसर एक ही आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अब आपको, उससे सॉल्व करने हैं, यूरेनियम 92 235, ठीक है, लेड 82 20, ठीक है। थर्ड है नेपच्यूनियम 92 237, ये देगा बिस्मथ 83 209, ठीक है। फोर्थ है आपका थोरियम 90 232, यह आपको देगा लेड 82 208। आपको कुछ नहीं, अल्फा और बीटा पार्टिकल सेम मेथड से, तो चलो आप पहले पॉज करके खुद से करो, ठीक है। अगर आपने कर लिया है पॉज करके तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 235 में से 207 दिया, 35 में से 7 गया तो 28 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 अल्फा पार्टिकल। और बीटा कितना होना चेंज होना चाहिए था, 14 से, लेकिन हो रहा है कितने से, 10 से, तो कितना होगा बीटा पार्टिकल, 4 होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल अगेन मेरा कितना हो जाएगा, यहां से 237 और 9, तो यहां से कितना हो जा रहा है, अगेन मेरा हो रहा है 28 डिवाइडेड बाय 4 तो दैट्स नथिंग बट 7,
सेवन। बीटा पार्टिकल कितना हो जाएगा, बीटा पार्टिकल होना चाहिए था 14 से चेंज, बट वो कितने का रहा, 8 और 3 11। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 11 का चेंज हो रहा है ना, हाँ 11 का। तो कितना बीटा पार्टिकल हो जाएगा, 3 बीटा पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हो रहा 10 का ही चेंज हो रहा है ना, 92 को छोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल अगेन कितना हो जाएगा, 24/4 6, तो बीटा पार्टिकल कितना हो जाएगा, 12-8 4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आज के लिए हम आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए।